हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम, नमस्कार। हरियाणा न्यूज देखण लाग रहे सो आप, और मेरा नाम से सोनिया सत्यानीता। आप सबका घना स्वागत करू सु मारे खास बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। आज कई दिन पाछा आपने यो बुलेटिन देखा चौगरदा का, हरियाणा की में नया नया सा भी लाग्या। जी हाँ, क्योंकि हम आगे सा बड़ौदा में, और रोज आपते खबर बताने लाग रहे सा बड़ौदा उपचुनाव की। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी खबर की गेला। बड़ी खबर न्यूज है कि जुकर आपने बेरा से बड़ौदा में उपचुनाव होने से इसने लेकर जो तमाम पार्टी से वह भरपूर कोशिश करने लाग रही से कि सीट मारे पास आवे। तो इससे बीच बीजेपी भी कसूती करड़ी ढाला जो से कोशिश करने लाग रही सर। इससे बीच बीजेपी की जो से वह आज बैठक हुई से आपने हम जानकारी दे दें कि बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने करी। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव ने किस तरीके से लड़ा जाएगा, उसके आधार पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 27 नेताओं की ड्यूटी लाई गई से जो विधानसभा के 54 गांवों में लोगों से मुलाकात करेंगे। हर नेता विधानसभा के 2 गांवों के लोगों के द्वारा बीजेपी की जो नीति से बीजेपी ने जो काम कराया सब बतावेंगे। इस दौरान उन्होंने भी कहा कि यह चुनाव जो है कांग्रेस खातर बहुत बड़ी चुनौती से, बीजेपी खातर यो एक सुनहरा मौका से। तो वहीं किसान कानून में एमएसपी की शरत न लिखित देने के सवाल पर ओपी धनखड़ न्यू बोले, अगर कानून में एमएसपी लिखित में दिया जावे तो इससे किसानों ने नुकसान होगा, तो बीजेपी सा कौन है चांदी से, बीजेपी तो किसानों का फायदा चारी से। पर पूरे हलके में 27 नेताओं की ड्यूटी लगाई है, और ऐसे हलके में 54 गांव हैं। हर नेता 2 गांव में आज महासभा करेगा, और बड़ौदा के विकास का मुद्दा, बड़ौदा कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक परिदृश्य, उस सारे पर आज लोगों के बीच में जाके चर्चा करने वाले हैं। बड़ौदा के लोग अब विकास चाहते हैं, और उनका मन उस प्रकार का है। जहाँ तक आप चुनौती की बात करते हो, चुनौती तो ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये उनकी सीट थी वर्षों तक, उनका लिटमस टेस्ट है। हमारे लिए तो ये एक जैसे जींद की सीट लोकदल की थी, एक अवसर के रूप में आई थी, हमारे लिए तो ये अवसर के रूप में उपस्थित हुई है, और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि में बदले। जुकरा सब ने बेरा से के परिवहन विभाग कोरोना काल में चोटे में चला गया था। तो ईब अगर दिल्ली की बात करा, उत्तराखंड की बात करा, तो इनने हरियाणा परिवहन तो अपने क्षेत्र में यानी कि अपने प्रदेश में बढ़ने की अनुमति कोने दी से। इस बीच हरियाणा न्यूज ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत करी से, तो सुनो वह इस मामले में के किम कहते नजर आए। दिल्ली हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, यहाँ की सरकारों ने हरियाणा रोडवेज की बसों को अभी अपने आने की अनुमति नहीं दी है। हमारे साथ इस समय मौजूद है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या एक्सरसाइज जो है की जा रही है ताकि इन राज्यों में भी बसें जाएं, लोगों की राहत के साथ साथ राज्य के राजस्व में भी जो है फायदा हो।
शर्मा जी ये बताएं कि तीन राज्य अभी ऐसे हैं जो अनुमति नहीं दे रहे बसों को चलाने की अपनी जगह पे, इसको लेकर जो है आप क्या कर रहे हैं? जैसे कल पंजाब ने हमें परमिशन दी है कि हरियाणा प्रदेश की रोडवेज की बस पंजाब शुरुआत होगी, ये दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। कल मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री अपने लेवल बात करेंगे, जब सब कुछ खुल गया तो रोडवेज में परेशानी क्या है। और आम आदमी जब आवागमन हो गया शहर में, और दिल्ली तो सबकी, दिल्ली सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली है, क्यों हरियाणा तीनों तरफ दिल्ली के लगा हुआ है, और दिल्ली का आवागमन हमारा रोज रोटी बेटी का संबंध है, और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। और दिल्ली जैसे जहाँ जो राजधानी है, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वो अपने लेवल पर बात करेंगे कि परेशानी क्या है। ये बताएं कि क्योंकि अब जब ये स्थितियां आ रही हैं, अब तो केंद्र ने भी जो है SOP जारी की है, उसमें यही है कि राज्य अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं लेंगे कोविड को लेकर, जो भी फैसले केंद्र के हैं वो राज्य सरकारों को लागू करने होंगे। नहीं, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे, केंद्र का फैसला है और इसको लागू करा जाए। और त्यौहार आने वाले हैं और लोगों को रोडवेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर आदमी अपनी गाड़ी नहीं है, बस से जाएगा, कोई बच्चा पैदल नहीं चल सकता, कोई बीमार है, बस में आई एस पी टी आगे जाएंगे। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे, उन लेवल पर बात करेंगे जो अपने दिल्ली के अपने भारत सरकार से भी क्यों नहीं करें। मंत्री जी, एक और विषय है कि हरियाणा की कितनी बसें इस समय जो हैं हमारे बेड़े की जो हैं सड़कों पर आ चुकी हैं, और कितना रेवेन्यू जो है अभी जनरेट हो पा रहा है? अभी हमारी बस 1900 बस रोड पे हैं और 1,41,00,000 पर डे 1,41,00,000 रुपए पर डे हम पे आ रहे हैं। 5.5 लाख किलोमीटर चलनी है बस अभी, तो धीरे धीरे समय लगेगा। जब पंजाब खुल गया, जैसे दिल्ली खुल जाएगा, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, जब खुल जाएंगे सारी बस हमारी चल जाएंगी। और जो रेवेन्यू है, मुझे उम्मीद है कि जो फरवरी की जब लॉकडाउन हो उसके बराबर हम रेवेन्यू कर लेंगे। तो नॉर्मल डेज में जो हमारा रेवेन्यू था 3 करोड़ था, इससे ज़्यादा पर डे था, और जो बसें थी क्या 12-13 लाख किलोमीटर चलती थी? नहीं, जब लॉकडाउन था उस समय 3 लाख रुपये पर डे थे, 3 करोड़ पर डे, और उस समय 9-9.5 लाख किलोमीटर बस चलती थी। तो ये मान के चलो जो फरवरी का है, इसके बाद अगर सारा भारत खुल जाए, सभी प्रदेश परमिशन दे, हमारी स्थिति वही होगी जो पिछले फरवरी में थी। मंत्री जी, एक और सवाल है आपके महकमे से जुड़ा, जो क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड अभी भी है, स्कूल शुरू नहीं हुए हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो वाहन लगे हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए, उन लोगों की मांग भी आ रही है कि उन्हें जो है टैक्स से माफ़ी दी जाए, क्योंकि जुलाई तक जो है प्रदेश सरकार ने माफ़ी दी है, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अभी भी स्कूल जो नहीं खुले हैं, क्या इस पर कोई विचार किया जा रहा है? नहीं, केंद्र सरकार ने जो डायरेक्शन में दी थी 2 महीने पहले की 2 महीने बाद की, वो हमने जो भी उनका टैक्स था उसको सबको माफ़ करा। अगर दोबारा कोई इस तरह की सेक्शन आएंगे, उसको ज़रूर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे स्कूल वाले, और मुख्यमंत्री कहेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। एक बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मेरा सवाल था, क्या स्थिति है भाजपा की? ये भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा का चुनाव जीतेगी, और सबको तो पता है बड़ौदा का चुनाव तो दोनों JJP और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव जीतेंगे, और ऐतिहासिक जीत होगी। आज ओम प्रकाश चौटाला जी की जो इनेलो सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बहुत जैसे मजबूती से कहा कि भाजपा जो है सबसे पीछे रहने वाली है। बड़े नेता हैं और पूर्व के सरकार मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना जो कहा ठीक होगा, उनके बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। शुक्रिया। तो देखिए, अनलॉक होने के बाद भी हरियाणा का जो घाटा है, खासकर परिवहन का जो घाटा है, 1.5 से 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन है, और अभी तक जो स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इसी बीच जो है प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए एक खबर ये भी है, अच्छी खबर भी कह सकते हैं, मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार से कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं और
इन स्कूलों के जो संचालकों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आता है तो इनके जो टैक्स माफ़ी की बात है अगस्त और सितंबर की, वो सरकार से यानी कि मुख्यमंत्री से बात उठा सकते हैं ताकि इन्हें कोई राहत मिल सके। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। हमारे इस बुलेटिन में आज तक तो इतनी खबर से, लेकिन यो खबर का सिलसिला 24 घंटे हमारे इस चैनल पर न्यूआ चलता रहेगा। कल फिर मिलियो इस टाइम इस हरियाणवी बुलेटिन में सारे प्रदेश की चौगरदे की खबर अपने बताने खातर हम हाजिर रहेंगे। फिलहाल खातर दीजियो इजाजत, राम राम और नमस्कार।